नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये आज तक का दफ्तर है, मेरे साथ छोटे छोटे क्रिकेटर्स भी हैं, क्योंकि सबको इंतजार है उस शख्स का जिसके बारे में कहते हैं कि शायद भारत ने उस तरह का खिलाड़ी नहीं देखा। आज उनको एक नई पारी का आगाज करना है। उनका बल्ला मेरे हाथ में है, नर्वस मैं भी हूँ, कहीं मुझे वो ये ना कह दे कि उनके साथ बैटिंग करूँ और उनको मैं रन आउट करा दूँ। आप जानते हैं इंतजार किसका हो रहा है? इंतजार हो रहा है सुनील मनोहर गावस्कर का, जो आज तक पर एक नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं। भारत इंग्लैंड क्रिकेट की बात भी होगी। सरी भाई, वेलकम। आज तक पर आज आपकी नई पारी का आगाज है, सबसे पहले आपको वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरी भाई, आपके लिए ये भी लेकर आया। यार मैं तो रिटायर हो गया हूँ अभी, क्या इससे देख मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, आप रिटायर नहीं हो सकते। आप मुझे बताएंगे बैट कैसे पकड़ते? हाँ मुझे ऐसे ना ना ऐसे कैसे पकड़ते? वाह, ऐसे पकड़ते? अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ से पकड़ते, यहाँ से नहीं पकड़ते ना। अच्छा, और मैं आपको एक बताऊँ जो मुझे किसी ने बताया था, आपको बताऊँ कि ये है ना बैट, अगर आपको अच्छी ग्रिप, करेक्ट ग्रिप, सही ग्रिप चाहिए तो बैट को यहाँ पे ऐसे छोड़िए, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, और आप पिकअप कैसे करेंगे? ये मानो किसी के सर पे मारना है या कपड़े को धोना है, हाँ तो वैसे पकड़नी है, तो बैट ऐसे पकड़िए जिससे आप मार सकते हैं। और फिर ये जो ग्रिप होगी ना आपकी, इसकी ग्रिप, ये आपकी, सॉरी, ये आपकी बैटिंग की ग्रिप होगी। सरी भाई, आज तक के दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं। ये क्रिकेटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन आज तक के जो दर्शक हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे ख्याल अंदर चलें। सरी भाई, बाहर से अब हम अंदर आ गए हैं, थोड़ी सी पिच बनी हुई है आपके लिए, मैंने बल्ला आपका सजा दिया है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत करें जी, आप ही देखें कि आप हैं क्या। लोग तो देखेंगे ही, लेकिन आप भी थोड़ी यादें अपनी रवा कर लीजिए। सही भाई आइए। उप्स। तो दोस्तों, आज तक पर आपको भारत के महानतम खिलाड़ी, शायद क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक, सुनील मनोहर गावस्कर, आज एक नई पारी का आगाज। नमस्कार नमस्कार। सर भाई, 16 साल से ज्यादा का करियर, और अभी मैंने आपसे पूछा तो 1990 से कमेंट्री कर रहे हैं आप, 28 साल जी। दुनिया दोनों हिस्सों को बड़ा प्यार करती है, लेकिन आज की जनरेशन शायद वो खिलाड़ी सुनील गावस्कर को नहीं जानती कि आपने क्या क्या किया। पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए, एजाज फकीर को वो आपने लेट कट किया। सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड था 29 टेस्ट सेंचुरीज का, वो सनी भाई ने तोड़ा। उस वक्त 34 टेस्ट सेंचुरी ऐसी लगती थी कोई कर नहीं पाएगा, बाद में सचिन ने वो रिकॉर्ड आकर तोड़ा। और सुनील गावस्कर के बारे में कहते हैं कि आपने भारतीय क्रिकेट को वो दांत दिए थे, क्योंकि तब तक एक टिमिड तरीके से भारत की क्रिकेट चलती थी। दुनिया के लोग कहते हैं कि सुनील गावस्कर ना होते तो शायद आज भारत के दांत ना होते और वो काट ना रहा होता, ये सच है? इसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकता हूं, पर यह कहूंगा कि हमारे जनरेशन के पहले भी बहुत सारे अप्रतिम बल्लेबाज थे, विजय मर्चेंट जी थे, विजय हजारे, उसके पहले लाला जी,
लालाजी अमरनाथ, कर्नल सी के नायडू, तो इन्हीं के जो परफॉर्मेंस के बारे में हम पढ़ते थे, उन दिनों में देखने का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि टेलीविजन नहीं था, तो इनके जो हिस्ट्री पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे कि इन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, इस तरह से रन बनाए, तो फिर उससे वी गॉट एनकरेज्ड और जो एक मतलब उनके जैसा खेलना था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से कुछ बदल गया, शायद हमारी टीम उस वक्त जीतने लगी उसके परदेश में जाके, पर उसके पहले भी बहुत दिग्गज बल्लेबाज थे, सारे बॉलर्स भी काफ़ी ग्रेट बॉलर्स थे, पर कभी कभी बनता है ना एक जो टीम का जो एक की जो कॉम्बिनेशन बनती है जहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती है, वो शायद परदेश में नहीं मिल रही थी उस वक्त। और शायद आप और कपिल देव जब इकट्ठे हुए 80 के दशक में, तब फिर जाकर वो जीत भी मिलनी शुरू हो गई। 1983 का वर्ल्ड कप तो रेगुलरली, उसके पहले शायद एक आधी जीत होती थी, फिर एक दो सीरीज में जीत नहीं होती थी, पर कपिल के आने के बाद हमारे यहाँ और भी दांत आ गए, अगर आप दांत की बात काटने शुरू हो गए, काटने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास फिर एक फास्ट बॉलर था जो बाउंसर भी डाल सकता था ऑपोजिशन को, नहीं तो सिर्फ हमें ही तो उसको फेस करना था हमारी टीम को। अब जब कपिल के आने के बाद में वो भी शुरू हो गया कि हमारे पास अब बॉलर बनने लगे कि जो दूसरे ऑपोजिशन को भी बाउंसर डाल सकते। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इरास को कंपेयर करते, जब आप विराट कोहली को सचिन से कंपेयर करें तो लोग कहते हैं यार सचिन ने 90s में जो बॉलिंग अटैक्स खेले वो आज विराट ने नहीं खेले। अच्छा, सचिन जब बैटिंग किया करते थे लोग कहते थे सुनील गावस्कर ने जो 70s और 80s में बॉलिंग अटैक खेले शायद सचिन ने नहीं खेले। सुनील गावस्कर ने उस जमाने में 13 टेस्ट सेंचुरीज बनाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और ये वो वेस्ट इंडीज नहीं था, वो तो सनी भाई रात को नींद आ जाती थी जब आप बैटिंग करते थे, इतनी टेंशन, अकेले आप, आपके और आप तो हीरो थे, वो वेस्ट इंडीज के लोग तो कहते थे कि हमें ही दे दो सुनील गावस्कर। देखिए, मेरे करियर में जो अगर सीरीज शुरू होनी थी तो सीरीज शुरू होने की जो पहली रात थी उस मतलब पहली टेस्ट के आगे वाली रात, तो उस रात को नींद नहीं आती थी बस, क्योंकि अब श्रृंखला शुरू होनी है तो कैसा जाएगा सीरीज, किस तरह से क्या होगा, इसके बारे में जो नर्वसनेस हुआ करता था, तो उस वक्त उसी रात को नींद नहीं आती थी, उसके बाद में नींद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो 4-5 फास्ट बॉलर्स वेस्ट इंडीज के 6'3", 6'4", वो तो सपनों में आते होंगे। जोएल गार्नर 6'8", वो तो सपनों में आते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, उनके बारे में सोच तो था क्योंकि कल अगर ये इस पिच पर अगर इनको बॉलिंग करनी है कैसे सामना करना होगा, क्या मैं ये शॉट नहीं खेलूँ, वो शॉट नहीं खेलूँ, उसके बारे में मैं सोचता था। मैं प्रिपरेशन जो मन में प्रिपरेशन बनती थी वो उस रात से बनती थी कि अगले दिन मैं ऐसा शॉट नहीं खेलूँगा, जब तक गेंद नया है, जब तक पिच में थोड़ी सी जान है, तो तब तक मैं शॉट नहीं खेलूँगा, ये मेंटल प्रिपरेशन तो हाँ ज़रूर। और आपकी प्रिपरेशन पे आपके ड्रेसिंग रूम में जो आपके साथ खिलाड़ी रहे हैं वो बताते हैं कि सनी भाई ने जब बैटिंग करने जाना है आधा ड्रेसिंग रूम इधर और आधे में सिर्फ आप होते थे, कि शेर के सामने कोई ना जाए। नहीं 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 नहीं, देखिए ड्रेसिंग रूम तो छोटा हुआ करता था, पर सब जानते थे कि जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की, मतलब जब किट शुरू किया, बॉक्स डाल दिया, पैड डाल दिए, उसके बाद में मेरे साथ कोई बात नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक जोन में जाता था कि जहाँ पर मैं सिर्फ अभी जाकर बल्लेबाजी किस तरह से करनी है, बॉलिंग का किस तरह से सामना करना है, इसी के बारे में सोचता था। कभी कभी कुछ लोग आके पूछते थे कि अगर ये हुआ तो क्या करना है, तो उनको एक दो एक्सपीरियंस के बाद में उनको पता चलता था कि भाई सवाल पूछने से कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप बैटिंग करते थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक बैटिंग कर रहे होते थे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम। श्रीकांत और आप दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर हो गई थी 80 के दशक में, वो गाने गाते थे, सीटियां बजाते थे। श्रीकांत नहीं, चेतन चौहान गाने गाते थे, और चेतन चौहान का एक फेवरेट गाना हुआ करता था, और ख़ास करके जब हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते थे या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेफ थॉम्सन का सामना करना है, तो उनका गाना हुआ करता था मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, और मैं बोल रहा हूँ यार फास्ट बॉलिंग खेलने जाना है, मुस्कुरा क्या, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा क्या। तो श्रीकांत की तो बात अलग थी, श्रीकांत ड्रेसिंग रूम में जो हंगामा मचाते थे, उनका ड्रेसिंग रूम का नाम था धड़पड़ेंगो। अच्छा, और धड़पड़ेंगो क्यों, क्योंकि धड़पड़ेंगो कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे वो चेयर से अटकते थे या टेबल से अटकते थे, कुछ का कुछ होता था उनके साथ।
तो बिल्कुल सीधा नहीं चल पाते थे वो। 1980-81 में आप गए ऑस्ट्रेलिया और संदीप पाटिल ने वो किताब में मेंशन किया हुआ है आपका कोई साइड गेम था टेस्ट मैच से पहले, तो संदीप पाटिल और आप बैटिंग कर रहे थे, जेफ्री थॉम्सन बॉलिंग कर रहे थे, तो आपने जेफ्री थॉम्सन को स्लेज करना शुरू कर दिया। मैंने स्लेज नहीं किया। नहीं, आपने उनको, आपने बहुत कुछ कहा। नहीं, नहीं, और संदीप पाटिल कहते मुझे डर लगना शुरू होगा सामने कि, और जेफ्री थॉम्सन पागल हो गए और कहते हो दे बाउंसर पे बाउंसर। और संदीप पाटिल कहते अगला आधा पौना घंटा में उधर गया ही नहीं बैटिंग करने के लिए। नहीं, देखिए क्या हुआ था कि इसके बाद में टेस्ट मैच होनी थी, तो जेफ थॉम्सन जब दूसरे स्पेल में बॉलिंग करने आए तो उस वक्त वो मतलब तेजी से नहीं डाल रहे थे, अपने यूजुअल स्पीड से थोड़ा वार्म अप करके कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक ओवर के बाद में वो रेगुलर स्पीड पे डालेंगे, दूसरे ओवर में भी शायद उनका मूड नहीं बन रहा था, जो भी हो आके मीडियम पेस जैसे डाल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल आड़ा शॉट मारा, जैसे कि आजकल वनडे क्रिकेट में आप देखते हैं, आड़ा शॉट मार के एक बाउंस बाउंड्री लग गई, तो वो गुस्सा हो गए। और क्योंकि जेफ, कोई भी फास्ट बॉलर को अगर आप इस तरह से आप शॉट मारे तो वो जेफ्री थॉम्सन वो भी सबसे, मैंने सबसे तेज गेंदबाज अच्छा। वो थे मेरे लिए। तो उन्होंने देखा और बस फिर आगे, तो जब वो उन्होंने शुरू किया रनअप तब पता चला कि ये तो तेज गेंद आने वाले, क्योंकि फटाफट में मतलब जो रेगुलर रनअप था, और बाउंसर किया और मेरे तरफ आ गए और उन्होंने बोला यू हिट दैट, लेट मी सी यू हिट दैट करके। तो उस वक्त मैंने बोला कि भाई यू पिच इट इन माई हाफ ना, इफ़ यू पिच इट देयर आई कांट हिट इट, यू पिच इट इन माई हाफ आई विल हिट यू करके। तो उसके बाद में जो उन्होंने शुरू किया बहुत तेज़ी से गेंदबाजी की, तो उधर से संदीप पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तो संदीप पाटिल मुझे मराठी में बोल रहे सुनील छोड़ो यार जाओ दे यू नो दैट। सो आई सेड टू हिम, आई सेड टू पाटला की नहीं थोड़ी प्रैक्टिस भी तो होनी है, अगले वीक में हमारी टेस्ट मैच है, थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी है। तो ये हुआ था, तो मैंने उनको स्लेज नहीं किया, उन्होंने जब शुरुआत की तब मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप मेरे हाफ में डालिए, आप आपके हाफ में डाल के क्या है। आपकी इज्जत बड़ी थी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपके रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटे और शायद टूट भी नहीं पाएंगे, उस जमाने की वेस्ट इंडीज़ टीम सनी भाई दोबारा नहीं आएगी, कुछ वो यादें, क्योंकि विव रिचर्ड्स कहते हैं या आप किसी से भी बात कर लें वो सब आप पर ही आकर नाम रुक जाता है कि सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी हमने देखा नहीं। आपकी दोस्ती भी थी मैदान पर, दुश्मनी भी थी। देखिए मेरी अब जो रिटायरमेंट के बाद में सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी सब फास्ट बॉलर्स के साथ है, जो मेरा उनके लिए खुशनसीबी है। नहीं, उन दिनों में वो सर विकेट नहीं अगर तोड़ सके तो सर तोड़ने की कोशिश करते थे। और आपने हेलमेट पहना नहीं? हाँ, तो अंदर कुछ नहीं था इसलिए हेलमेट पहना नहीं की जरूरत नहीं थी, अंदर कुछ होता तो अगर हेलमेट की ज़रूरत है। पर अब जो मेरी सारी दोस्ती है सब फास्ट बॉलर्स के साथ ही ज़्यादातर दोस्ती है, तो विव भी तो बड़े अच्छे दोस्त है, क्योंकि विव सोमरसेट में थे, मैंने उनको सोमरसेट में रिप्लेस किया जब वो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेल रहे थे। तो उसके बाद में जब वो वापस आ गए सोमरसेट में, तो हमारे फ्लैट में जो हमारे लिए फ्लैट दिया, तो जोएल गार्नर और हम शेयर कर रहे थे फ्लैट, तो उस फ्लैट में आके वो खाना खाते थे, तो दोस्ती वहीं से हमारी बढ़ गई। और इमरान खान आपके दोस्त हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, बनने वाले हैं, आप जा रहे हैं? देखिए कल तक तो इनविटेशन नहीं था, उसके पहले सिर्फ पेपर में आता था, टेलीविजन में आता था कि इनविटेशन है। कल एक इनविटेशन आया है पर अभी तक उनकी स्वेरिंग इन की डेट पक्की नहीं हुई है। इन्वाइट आ गया लेकिन आपको, मतलब अनऑफिशियली इन्वाइट आ गया, उनके पार्टी के जो सेनेटर है उनसे इनविटेशन आया, पर ऑफिशियल वैसे कुछ आया नहीं है, शायद आजकल वो शायद कॉल कर लेंगे तो फिर जाएंगे? मुश्किल लग रहा है, जाना चाहूँगा पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब परसों से दूसरी टेस्ट भी शुरू हो रही है, तो उसके लिए मेरी कमिटमेंट है, और उसके बाद में मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो अब तक डेट पक्की नहीं होगी तो मैं ये भी नहीं कह सकूंगा, पर उसके पहले भी मैं ये कहूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान। हाँ, तो मैं हमारी जो गवर्नमेंट हॉटलाइन आप दोनों के बीच हमारी जो सरकार है उनसे भी मैं सलाह मशवरा करूंगा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर उन्होंने परमिशन दी, इजाजत दी तो मैं जाऊंगा। और बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी 92 सनी भाई पहले 5 में से एक मैच जीते थे, एक में बरसात हो गई, पॉइंट स्प्लिट हो गए, एक इमरान खान को लगता था कि पाकिस्तान की टीम जीत सकती है और एक सुनील गावस्कर को लगता था,
आपको शायद उन्होंने फेलिसिटेशन में बुलाया भी था जब पाकिस्तान की टीम जीती है। जी उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने न्योता दिया था, तो मैं गया था भी बिल्कुल वहाँ पे, और गद्दाफी स्टेडियम पे बड़ा मतलब उनके लिए फेलिसिटेशन था, पूरा गद्दाफी स्टेडियम पैक था। और उस वक्त मैं वहाँ पे गया था, इमरान के साथ काफ़ी टाइम बिताया था, इमरान के घर गया था, इमरान के दोस्तों के घर गया था, हर शाम को वहाँ पे खाना हुआ करता था। फिर इस्लामाबाद भी गया था, तो इमरान के उस वक्त एक कंप्लेन हुआ करती थी, अरे हमने कप जीता सब लोग आपके पीछे पड़े। नहीं ये लेकिन आपकी दोस्ती भी, क्योंकि इमरान खान से आप पुराने इंटरव्यूज देख लें, आज के इंटरव्यू देख लें, अच्छा उनकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ ऐसी है, वो गावस्कर तो बोलते नहीं, गावस्कर बोलते हैं जी जी, और सचिन को सचिन नहीं बोलते, सचिन बोलते हैं, सचिन बोलते हैं। तो हमेशा कहते हैं देखिए जी सचिन तो ऐसे हैं पर गावस्कर जैसा कोई नहीं आया, गावस्कर जैसा वैसे कोई नहीं आया। तालियां आप बजा रहे हैं। सिर्फ एक तारीख खास तौर से जो याद आती है वो ये है 1983 कोटला टेस्ट मैच जी, कानपुर में भारत पहला टेस्ट मैच आ रहा था, वो आपका बैट गिर गया था और लोगों ने कहा कि आपका ससुराल क्योंकि कानपुर में था आपको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल आपके हाथ से बैट गिर गया, बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद आपने ऐसा तोड़ा इनको वेस्टइंडीज वालों को, आप मेरे ख्याल 100 से कम बॉलों में आपने 100 बना दिया था, और वो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की आपने बराबरी भी की जी। उस पारी में क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये सोचा कि अब तक मैं बाउंसर को सिर्फ अवॉइड कर रहा हूँ, पर अब मैं बाउंसर के खिलाफ मैं स्कोर करूँगा, इसलिए मैंने हुक मारना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे वही बात। फास्ट बॉलर्स जो होते हैं तो कभी कभी आपको कंट्रोल नहीं रहता हुक शॉट का, खास करके जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे, तो इसलिए मैंने अपना फ्रीज़र में रखा था हुक शॉट काफ़ी दिनों के लिए। पर जब कानपुर में जिस तरह से मैं आउट हो गया तो उसके बाद मैं सोचा कि भाई अभी तो ये हुक शॉट का इस्तेमाल करना ही होगा, और वही हो गया। तो हुक शॉट क्योंकि वहाँ पे तो वो सिर्फ बाउंसर का ही प्रयोग कर रहे थे, दिल्ली की पिच थी, दिल्ली के पिच पर बहुत कम वैसे स्विंग होता है, तो बाउंसर ही बाउंसर आ रहे थे, तो मैं हुक मारते गया और फिर वो सेंचुरी भी बन गई, सेंचुरी बन गई। उसके बाद सुनील गावस्कर ने लास्ट जो टेस्ट मैच था मद्रास में 236 रन बनाए और सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा भी, 10,000 टेस्ट रन भी बने हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर कैसा लगा आपको, अकेले अकेले फील करते होंगे आप? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उस वक्त भी मैंने वही कहा और अभी भी कहूँगा कि डॉन ब्रैडमैन का वो जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने के लिए मुझे या तो 51 टेस्ट में 29 टेस्ट सेंचुरीज करनी थी या 70 इनिंग्स में टेस्ट उतनी सेंचुरीज करनी थी। मैंने जब वो 29 सेंचुरी की, मैं शायद मेरी 95th टेस्ट मैच थी और मेरे ख्याल से कुछ 100 के ऊपर इनिंग्स भी हुए थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं था। मैं मानता हूँ कि वो स्टेटिस्टिकल अचीवमेंट था, रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड होता है कि जब वो उनकी जो मतलब अचीवमेंट थी उसको अगर आप तोड़े तो ही रिकॉर्ड बन सकता है। और ब्रैडमैन कुछ बिल्कुल अलग ही है, अभी भी उनका रिकॉर्ड जो है एवरेज है 99.94, मैं समझता हूँ अब वो कभी कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तो अच्छा तो लगा क्योंकि रन्स बन रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, रन्स बन रहे थे, तो ये अच्छा लगा कि उससे हमारी टीम को एक अच्छा स्कोर भी मिल रहा था। पर और सोच बिल्कुल दूसरी, कुछ सोच ऐसी नहीं थी कि बस शिखर पे पहुंचा हो, ये वैसे कुछ सोच नहीं थी। सिर्फ एक तारीख खास तौर से जो याद आती है वो ये है 1983 कोटला टेस्ट मैच जी, कानपुर में भारत पहला टेस्ट मैच आ रहा था, वो आपका बैट गिर गया था और लोगों ने कहा कि आपका ससुराल क्योंकि कानपुर में था आपको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल आपके हाथ से बैट गिर गया, बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद आपने ऐसा तोड़ा इनको वेस्टइंडीज वालों को, आप मेरे ख्याल 100 से कम बॉलों में आपने 100 बना दिया था और वो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की आपने बराबरी भी की जी। उस पारी में क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये सोचा कि अब तक मैं बाउंसर को सिर्फ अवॉइड कर रहा हूँ, पर अब मैं बाउंसर के खिलाफ मैं स्कोर करूंगा, इसलिए मैंने हुक मारना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे वही बात। फास्ट बॉलर्स जो होते हैं तो कभी कभी आपको कंट्रोल नहीं रहता हुक शॉट का, खास करके जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे, तो इसलिए मैंने अपना फ्रीज़र में रखा था हुक शॉट काफ़ी दिनों के लिए। पर जब कानपुर में जिस तरह से मैं आउट हो गया तो उसके बाद मैं सोचा कि भाई अभी
अभी तो ये हुक शॉट का इस्तेमाल करना ही होगा, और वही हो गया तो हुक शॉट, क्योंकि वहाँ पे तो वो सिर्फ बाउंसर का ही प्रयोग कर रहे थे। दिल्ली की पिच थी, दिल्ली के पिच पर बहुत कम वैसे स्विंग होता है, तो बाउंसर ही बाउंसर आ रहे थे, तो मैं हुक मारते गया और फिर वो सेंचुरी भी बन गई। सेंचुरी बन गई, उसके बाद सुनील गावस्कर ने लास्ट जो टेस्ट मैच था मद्रास में 236 रन बनाए और सर डॉन ब्रैडमन के रिकॉर्ड को तोड़ा भी, 10,000 टेस्ट रन भी बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कैसा लगा आपको, अकेले अकेले फील करते होंगे आप? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उस वक्त भी मैंने वही कहा और अभी भी कहूँगा कि डॉन ब्रैडमन का वो जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने के लिए मुझे या तो 51 टेस्ट में 29 टेस्ट सेंचुरीज करनी थी या 70 इनिंग्स में टेस्ट उतनी सेंचुरीज करनी थी। मैंने जब वो 29 सेंचुरी की, मैं शायद मेरी 95th टेस्ट मैच थी और मेरे ख्याल से कुछ 100 के ऊपर इनिंग्स भी हुए थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं था। मैं मानता हूँ कि वो स्टेटिस्टिकल अचीवमेंट था, रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड होता है कि जब वो उनकी जो मतलब अचीवमेंट थी उसको अगर आप तोड़े तो ही रिकॉर्ड बन सकता है। और ब्रैडमन कुछ बिल्कुल अलग ही है, अभी भी उनका रिकॉर्ड जो है एवरेज है 99.94। मैं समझता हूँ अब वो कभी कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, तो अच्छा तो लगा क्योंकि रन्स बन रहे थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन्स बन रहे थे, तो ये अच्छा लगा कि उससे हमारी टीम को एक अच्छा स्कोर भी मिल रहा था। पर और सोच बिल्कुल दूसरी, कुछ सोच ऐसी नहीं थी कि बस शिखर पे पहुंचा हो, ये वैसे कुछ सोच नहीं थी। कपिल देव से आपकी लड़ाई होती थी? नहीं बिल्कुल, उस वक्त तो हमने जो पुराना पढ़ा है वो यही है कि आप और कपिल देव लड़ते बहुत थे। आप जो भी आता है पेपर में आप उसको बिलीव करते हैं? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ता हूँ पर बिलीव नहीं करते? जी, कपिल पाजी से मैंने पूछा, वो कहते हैं यार कि सुनील गावस्कर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने कहा आज आप यहाँ बैठे आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी उस वक्त भी थे, पर क्या हुआ कि मैं क्यों पता नहीं, पर शायद क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए था कि हमारे बीच में एक डिवाइड हो जाए। कुछ मीडिया लोग थे, शायद उनको भी शायद वो चाहते थे कि हमारे बीच में कुछ डिवाइड हो जाए। जो भी हो, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे बीच में जो मतलब एक एंग्री वर्ड्स सिर्फ एक ही बार हुए हैं और वो भी 1979 की पाकिस्तान के टेस्ट मैच में। मैं 166 पर बल्लेबाजी कर रहा था और मैंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद खेला इमरान की बॉलिंग पर, और मुझे लगा कि वहाँ पे एक सिंगल बन सकती थी, पर नॉन स्ट्राइकर, आप जब बैकवर्ड पॉइंट या स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हैं तो नॉन स्ट्राइकर को पता नहीं होता कि फील्डर से कितनी दूर है गेंद, तो इसलिए वो थोड़ा सा सावधान होता है नॉन स्ट्राइकर। तो कपिल सावधान थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि नो, मुझे लगा कि एक आराम से सिंगल बन जाती थी, पर उन्होंने ना बोल दिया और अगली गेंद पर मैं आउट हो गया। तो इसीलिए जब मैं अंदर गया तो मैं बहुत गुस्से में था कि अगर रन अगर होती तो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता, कपिल जो लंबे है वो जो गेंद जिस पे मैं आउट हो गया वो उसको आसानी से खेल सकते थे और एक साझेदारी और भी हो सकती थी। तो और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 10-15 मिनट में शायद टी टाइम हुआ था, तो उस फिर भी मैं गुस्से में था, तो उस वक्त मैंने बोल दिया क्या यार तूने रन नहीं लिया, रन बनता तो यू नो हमारी साझेदारी, ऐसे कुछ बोल दिया। और मैं जो रिमेंबर करता हूँ कि वो ओनली ओकेजन था जहाँ पे हम दोनों में एंग्री वर्ड्स हो गए और वो मेरी तरफ से ही हो गए। उसके बाद में कभी हमारे बीच में कुछ एंग्री वर्ड्स कभी नहीं थे, लोग दूसरी 1984 की बात करते वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी ये लोग चाहते हैं कि दो जो दिग्गज खिलाड़ी हो अगर आपके टीम के उनके बीच में अगर कोई डिवाइड करे तो अच्छा रहता है। सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ जब थे, बहुत लोगों ने प्रयास किए कि सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच में कुछ यू नो रिफ्ट दिखाने के लिए, सौरव गांगुली और तेंदुलकर के बीच में रिफ्ट दिखाने के लिए, अच्छी स्टोरी बनती है। नहीं, आप सही हो या नहीं, यहाँ पे है तो एक एक कर सारे कहानियों के जवाब ले लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सीधा सनी भाई से पूछो तो बेहतर है। और सनी भाई से हम सिर्फ उनके बारे में नहीं यार, जो भारतीय क्रिकेट में चल रहा है या जो सीरीज में चल रहा है वो भी तो सवाल कर रहे हैं।